हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रोनाउन के बाकी बचे हुए काइंड्स को। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। हमने अभी तक 6 काइंड्स को कवर किया है। अब अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव इसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका काम क्या है? निजवाचक सर्वनाम कर्ता के द्वारा किया गया काम, खुद उसका प्रभाव कहाँ पे पड़ता है? खुद कर्ता के ऊपर पड़ता है। इसका रिफ्लेक्शन, कार्य का रिफ्लेक्शन खुद कर्ता के ऊपर पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें फ्रेंड्स इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसको लिख लेते हैं। माई सेल्फ, इसमें सेल्फ लगाकर बनाते हैं, सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। फ्रेंड्स इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल प्रोनाउन के सारे वर्ड यूज हुए हैं, माई, आर, योर, इट, तो इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसका कैसे इसका प्रभाव खुद कर्ता के ऊपर पड़ता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। बी शुड हेल्प और सेल्फ, ही डॉट हिमसेल्फ इंग्लिश सी asked herself a question. फ्रेंड्स इसमें आर सेल्फ, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बी शुड हेल्प आवर सेल्फ, हमें खुद की मदद करनी चाहिए, कि खुद की मदद, इसका प्रभाव सीधा बी पे आ रहा है। ही टॉट, उसने खुद को अंग्रेजी सिखाया, उसने जो काम किया उसका प्रभाव किस पे पड़ा है? सब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है। तो इसमें हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सी आस्ड, उसने खुद से एक प्रश्न पूछा, इसमें पूछा किससे पूछा? खुद से पूछा। सी आस्ड क्वेश्चन टू होम, उसने किससे प्रश्न पूछा? खुद से पूछा, इसलिए यहां पर दिस इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है, दिस इज वर्ब, ज्यादातर है जनरली वर्ब के बाद आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इम्फेटिक प्रोनाउन में अगर रिफ्लेक्सिव इसको ये सब वर्ड को हटा देते हैं तो उसका मीनिंग लगभग चेंज नहीं होता है। यही फर्क है दोनों में, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगला देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फ्रेंड्स ज्यादा फर्क नहीं है, सेम वर्ड ये सब यूज होते हैं। उसको हेडिंग डाल लेते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। इसको दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं, सेम वर्ड जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज हुए हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ,
themselves. फ्रेंड्स वही सारे वर्ड हैं, इसमें फर्क यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देते हैं वैसे सेंटेंस में तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें इम्फेटिक इसको क्यों, इसका काम क्या है, ये दबाव सूचक इसको बोलते हैं, खुद के ऊपर दबाव डालने के लिए प्रयोग होता है। कुछ सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आई माई सेल्फ डोंट नो द ट्रूथ, अशोक हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू रिजाइन, फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये सीधा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज इम्फेटिक प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट के तुरंत बाद, इसको दबाव सूचक मतलब खुद, अगर ये वर्ड हम हटा भी देते आई माई सेल्फ डोंट नो द ट्रूथ, मैं खुद सच्चाई को नहीं जानता हूं या मैं सच्चाई नहीं जानता हूं, इसमें अगर माई सेल्फ को हटा भी देते हैं तो सेंटेंस में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक हिमसेल्फ, अशोक ने स्वयं मुझे बताया था कि वो रिजाइन देना चाहता है, इसलिए इसमें दिस इज इम्फेटिक प्रोनाउन। और फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिए, अगला लास्ट देखते हैं, लास्ट वन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल इसको हिंदी में फ्रेंड्स बोलते हैं कि परस्पर सूचक सर्वनाम। कौन कौन से वर्ड हैं इसमें, इसमें ईच अदर, फ्रेंड्स इसमें सिर्फ दो वर्ड हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, परस्पर सूचक ईच अदर दो के लिए, बोथ ऑफ देम सॉ ईच अदर, वी शुड हेल्प वन अनदर। फ्रेंड्स इसमें बोथ ऑफ देम दोनों एक दूसरे को देखे, दिस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अदर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फ्रेंड्स इसमें सिर्फ यही दो वर्ड है और आप इसको याद कर लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमने प्रोनाउन में पूरा नौ इंपॉर्टेंट नौ प्रोनाउन है उनको हमने देखा, इसका तीन पार्ट में हमने स्टडी किया है। पहले पार्ट में हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, उसके बाद फिर हमने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लास्ट वन इज दिस। फ्रेंड्स अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।